session of morning assembly is hygiene and health. So without wasting our time, let us start this session of morning assembly with a short speech. I would like to call Monica Thakur from class 12, section C. Principal ma'am, teachers and my friends, first of all, a very happy good morning to all of you. Good morning. Today, my topic is health and hygiene. Health and hygiene means swasth or swachhata. स्वच्छता हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक अच्छी आदत है जिसे हर किसी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यदि साफ सफाई नहीं होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, आठ, सात, छह, पांच, चार, Yes, and my dear friends, a very good morning to all of you. As all of you know, today is the fifth day of Wisdom House, and I, Uppa Batul Zargar of class 11th, am going to represent the house. First of all, we invite Shehnaz from the same class. Principal ma'am, teachers, and my dear friends, firstly, a very good morning to all of you. I, Shehnaz Fatima from class 10th, section B. Life is better when we are together. And the second is, sun is the light of day, moon is the light of night, but education is the light of life. Thanks, have a nice day. Thanks, and have a nice day. कोई भी इंसान नहीं सह सकता शून्य से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। शून्य से नीचे चटक जाती है हड्डियां, 50 से ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियां। तो फिर ये लोग कौन है जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -30 डिग्री में तिरंगे के तार कस रहे हैं? ये लोग कौन है जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री पर ठहाके मार के हंस रहे हैं? इसके साथ ही मैं कृतिका सिंह को मंच पर आने का आमंत्रण देती हूँ। अपनी आजादी को कभी खोने नहीं देंगे, जगाई थी जो आग वीरों ने, अब खोने नहीं देंगे। खून का एक कतरा था जब तक, इस भारत माँ को अब रोने नहीं देंगे, इस भारत माँ को अब रोने नहीं देंगे। ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आई कृतिका सिंह ठाकुर इज हियर टू टेल यू समथिंग अबाउट कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत यह दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाता है। ये दिवस मनाया जाता है, 26 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 7 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान। सदियों तक अमर रहेगा तेरा बलिदान, मेरा शत शत नमन, तुम तक पहुँचे यही है अरमान। आदरणीय प्रधान आचार्य जी, पूज्य गुरुजनों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम साक्षी भारती है, मैं 11वीं कक्षा की छात्र हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। शत्रु सीमा लांग न जाए, खड़े रहे चट्टानों से, देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जरा जवानों से। शीश झुकाया नहीं भले ही, अपने प्राण गवाए हैं, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड, फर्स्टली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई शीन फ्रॉम क्लास 11 स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू रिप्रेजेंट अवर पीस हाउस। सो आई वुड लाइक गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम जरकल सोफिया
student of class 10. I'm here to speak on the topic that is drug abuse. Fatal consumption of drugs and how it is destroying the lives of our youth is a point of discussion. Drugs, as we all know, are an illegal matter, which some people smoke, drink, eat or inject. The people who deal with the selling of drugs mainly target the students. The drugs are sold to the students for free, and when they get addicted to it, they start buying and consuming it. The consumption of drugs have many effects on their... Monica Devi! Hey! Simran Devi! Janvi Shan! Irtiza Anjum! Now I would like to call Akriti from class 12. आदरणीय मुख्य अध्यापिका जी, अध्यापक गण तथा मेरे प्रिय बहनों, आज मैं आपके सामने शहीद भगत सिंह के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। देश की आजादी के लिए कई वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी थी, जिसमें से भगत सिंह भी एक थे। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। ये एक सिख परिवार से थे। इन्होंने कई क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लिया है। अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत करते हुए इन्होंने अपने दो साथियों सुखदेव तथा राजगुरु के साथ मिलकर पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में अपनी आवाज उठाई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 23 मार्च 1931 में ये तीनों देश के लिए शहीद हो गए। जब इनकी मृत्यु हुई थी तब भगत सिंह मात्र 23 वर्ष के थे। ये एक सच्चे देशभक्त। आदाब और नमस्कार। आज हम सभी इंडियन आर्मी और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज द्वारा आयोजित किए गए स्क्वाड कैरम कंपटीशन के फाइनल तथा क्लोजिंग सेरेमनी के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 26 राष्ट्रीय राइफल कुमार रेजिमेंट के उप कमान अधिकारी महोदय लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव से कि वे मंच पे आए और बच्चों को प्रोत्साहित करें। मंच पे मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर श्री जानकी लाल साहब और उनके स्टाफ, डियर स्टूडेंट्स और टीचर्स, जैसे कि बताया मेरे कंपनी कमांडर साहब ने कि ये जो 15 डेज का इवेंट था, कैरम कंपटीशन, जो कि पहली बार फौज के तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें आप सभी का पार्टिसिपेशन जो है वो अव्वल दर्जे का रहा है। लीग मैचेस के दौरान मैंने खुद ऑब्जर्व किया है जो एंथुजियाज्म, जो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट और जो जील से आप लोगों ने खेला है, वेरियस कैटेगरीज जो अभी साहब ने बताया है वो काबिले तारीफ है। थैंक यू सर। अब मैं निमंत्रित करूंगा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स अफसर मिस्टर खैराती लाल शर्मा से कि वो आए और आपको प्रोत्साहित करें। थैंक यू रेस्पेक्टेड लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव सर, इनके साथ इनके टीम, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज, डियर स्टूडेंट्स, प्लेयर्स। सबसे पहले मैं सभी जो इस लंबे टूर्नामेंट में, जो आज यहाँ पर सिंगल्स में, डबल्स में जो बच्चे विनर रहे हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। और जो बच्चे रनर अप रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और जो बच्चे पार्टिसिपेंट हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक।
कि आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, आपको स्किल का पता चला, आगे आने वाले टाइम में आप कोशिश करेंगे और आगे जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जिस वक्त का आप सबका इंतजार है फाइनल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, मैं निमंत्रित करूंगा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मिस्टर खैराती लाल शर्मा से कि वो आज के विनर्स को प्राइजेस प्रदान करें। नेक्स्ट अंडर 19 सिंगल बॉय सेकंड पोजीशन लेने में मिस सानिया पानू गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल। अंडर 19 सिंगल गर्ल्स में प्रथम पोजीशन लेने में मिस तसीना कौशल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। जो उधर चीफ गेस्ट थे और हमारे डिस्ट्रिक्ट जो सर्विस सपोर्ट अफसर भी थे उधर पर हेलीपोर्ट पर जो आर्मी ने उधर ऑर्गेनाइज किए थे कैरम टूर्नामेंट, उसमें 180 स्टूडेंट्स आ रहे थे जिन्होंने भाग लिया था। 180 स्टूडेंट्स उसमें हमारी जो अंडर 19 की टीम है वो फाइनल में पहुंची, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल मैम की तरफ से भी आपको बधाई, स्टाफ सारे स्टाफ की तरफ से भी फर्स्ट आपको रनर अप भी हमारे स्कूल से आया अंडर 19 में। पहला है परिहार आएगी पहले सेकंड पोजीशन, इसके लिए तालियां बजाएं आप। और मेडल भी इनको और सानिया बानू अंडर 19 में जो रनर अप रही उसके लिए भी तालियां।
और जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है फासिना कौशल ने, कम से कम उसमें 8 के 10 टीमें थी उनको पछाड़ के सबसे आगे अव्वल नंबर पे पहुंच गई। और सिमरन देली है उसके लिए भी, वो भी उसके लिए भी एक मेडल है, वो कल भी नहीं आई थी परसों, तो इसके हमारे पास ये, और इसको ये खूबसूरत सा तोहफा है, ये ट्रॉफी है। ये इसको भी है ना सेकंड प्राइज, इसको भी नेहा परियार को भी है ट्रॉफी, इसको भी सेकंड प्राइज है ना, रनर अप है इसको, ये ट्रॉफी है उसको जो विनर है वो। तो इसी तरह आप पेट हो, सिंपोजियम हो, पेंटिंग कंपटीशन हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने इनिशिएशन का नाम रोशन करना है, और यहाँ का स्टाफ का और यहाँ जो मैडम है जो हर एक इवेंट में आपका हर एक हौसला अफजाई कराती है और हर एक गेम में हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट कराते हैं, हम इनका भी शुक्रिया करते हैं। वो इस तरह खुद इतना इंटरेस्ट लेती है, हर एक बच्चे का इंटरेस्ट लेती है, और जो भी बाकी जो पुलिस के जो हमारे पास पुलिस को भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हम उनको स्कूल की तरफ से सर्टिफिकेट इशू करेंगे, तो वो अपने नाम और डिटेल्स, नेम, पेरेंटेज, रोल नंबर और ये क्लास वो लिख कर दे देंगे, हम उनके सर्टिफिकेट जल्दी इशू करेंगे। ये हमने जो पिछले दिनों स्कूल में आयोजन किए थे क्विज कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन, जो आजादी के अमृत महोत्सव पर ऑर्गेनाइज किए थे स्कूल में हमने ये कंपटीशन, उसके अंतर्गत जो जो जिन पार्टिसिपेशन इसमें भाग लिया था और उनको आज हम सम्मानित कर रहे हैं वर्दी प्रिंसिपल मैम की तरफ से, जो उनको प्राइज दिया जाएगा उसमें क्विज कंपटीशन और ड्राइंग कंपटीशन हुए थे। उसमें सबसे पहले मैं क्विज कंपटीशन के लिए थर्ड पोजीशन को बुलाएंगे, सबसे पहले मैं दावा दूंगा मैडम जी को, वो मंच पर आए इधर और इन स्टूडेंट्स को सम्मानित करें। सबसे पहले क्विज कंपटीशन में थर्ड पोजीशन जिस ग्रुप ने हासिल की है वो आकृति परिहार, नैना गुप्ता, मंशा, नैना गुप्ता आओ एक आप मंशा अपने पास रखिए, ये जी यू लेते और जो सेवन पोजिशन इन्हें प्राइज ये सी ग्रुप था, सी टी एम की आप जो जिन्होंने सेकंड पोजिशन हासिल की है, राबिया, सोमन देवी, कंजना राठौर, अंचल देवी, अपना नाम दें। कॉम्पिटिशन में जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वो अदीना सादिया मसूद, आमना रशीद, मगर
अब पोजीशन हासिल की है, लेकिन ये भी ध्यान रखो जिससे बाकी बच्चे रहे आपके परसों इस चीज का ध्यान रखना। अभी तो आपको प्राइज मिला नहीं है। शाबाश शाबाश जो आप पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुआ था आजादी का महा उत्सव में, जो जिन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और उसमें स्क्रीनिंग की जो स्कूल है उन्होंने जजेस ने जो फैसला किया उसमें सबसे पहले जो थर्ड पोजीशन पे आई है गाजिया मक्कू, बुशरा क्लास टेन सेकंड पोजीशन जिसने हासिल किया और फर्स्ट पोजिशन जिसने हासिल किया शीन क्लास में फर्स्ट पोजिशन तालीम से जरा और विवेक परिहार की कयादत में और ध्वज संभाला हमिलन शाह ने बहुत खूबसूरत अंदाज में ये नन्हे मुन्ने बच्चे इस मंच के सामने से गुजरते हुए इस तिरंगे को सलामी देते हुए, उसके बाद भारतीय विद्या मंदिर घिडियाल जिसकी कयादत किश्तवाड़ कृतिका सिंह ठाकुर यहाँ कमांड करती हुई और ध्वज संभाला है सोनम शान ने तिरंगे को अपने यहाँ सलामी पेश करते हुए। मिडल स्कूल भूपनगर और रोहित कुमार की कयादत में और ध्वज संभाला है मनोज कुमार ने गवर्नमेंट मिडल स्कूल भूपनगर के ये बच्चे इस 76वीं स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए एक हर्षोर और ठीक उनके बाद हाई स्कूल चेहराड़ मेहराबुल इस्लाम की क्यादत में और ध्वज संभाला है अदीबा कौसर ने बहुत अच्छे और खूबसूरत अंदाज में ये
फायर पर जिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला है। मेरी जुनू की आगे अंबर तालियां बजती रहनी चाहिए। राइट्स होते हैं लोगों के, अब हमारे हिंदुस्तान की आबादी इतनी ज्यादा है और यहाँ पे एक लार्ज सेक्शन जो है वो बच्चों की भी है और बच्चों के जो राइट्स हैं मोस्टली हम देखते हैं कि वो भी इफेक्टेड होते हैं बहुत सारे क्राइम से सोसाइटी में। उस वजह से कुछ चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स हैं, कुछ चाइल्ड के रिलेटेड में स्पेशली जो क्राइम्स कमिट होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाया गया है। दो एक्ट है जो चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करते हैं, एक तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, दूसरा हमारा पोक्सो है। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो मोस्टली रिलेट करता है जो ऑफेंसेस कमिट होते हैं जो बच्चे होते हैं बिलो 16 इयर्स ऑफ एज, तो उनको क्या क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत में कवर होती है।
लेकिन आज हम उसको कवर न करते हुए पॉक्सो से रिलेटेड जो है उनको हम कवर करेंगे। जो पॉक्सो है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, ये एक्ट बनाया गया था गवर्नमेंट ने 2012 में और ये चिल्ड्रंस डे पे एनफोर्स किया गया था 14 नवंबर 2012 को। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी कि चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया जाए सेक्सुअल ऑफेंसेस से? इसकी जरूरत ये पड़ी कि इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन का और 92 की एक कन्वेंशन हुई थी जिसमें चाइल्ड राइट्स जो थे वो उनको प्रोटेक्ट किया गया था। क्या आया, कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस जगह के बारे में? क्या क्या एक्सपीरियंस, जैसे आप कोई शेयर करो कोई एक्सपीरियंस। बहुत मतलब अच्छा पानी है यहाँ, मतलब नेचर, खुली हवा है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। He was a religious leader and flock hero who belonged to the Munda tribe. He was born on 15 November 1875 in Bengal Presidency. Birsa Munda led the Munda rebellion in the region south of Ranchi. मैं रिया शर्मा, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा, आपके सामने आज जनजातीय गौरव दिवस पर बिरसा मुंडा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी से 19वीं शताब्दी के आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलाकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्र।
ऐसा है, ऐसा है बच्चों, कार्यक्रम तो चलते रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी हम आते रहेंगे, लेकिन डिफरेंस बहुत कम होता है। जैसे सेकंड पॉइंट्स में रह जाता है, थर्ड पॉइंट्स में रहता है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है काम, हमने काम करना है, तन मन से काम करना है, चाहे पढ़ाई हो चाहे बाकी। आजकल का जो दौर है, पढ़ाई को छोड़ के बाकी फील्ड्स में, बाकी एक्टिविटीज में ज्यादा हमें ध्यान देना है। पढ़ाई को भी ध्यान देना वो बाकी है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी एक्टिविटीज में भी हमें पूरा तन मन से ध्यान देना है। एज पर जजेस ने भी यही किया, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सेटिस्फाइड हो गई कि बच्चों का भी यही अनुमान है, मेरे स्टाफ का भी यही अनुमान है, और जजेस की भी जो सिलेक्शन है एकदम आपके साथ मैच कर रही है। तो दैट मीन्स इको काउंसिल विनर ऑफ द ईयर है, तो इनके पास रिवॉर्डिंग काफी जाएगी। हाँ, आप लोगों ने सिर्फ 12th वाले और मैं निकल जाऊंगी, बाकी तो ये नहीं हो, तो आप लोग खूब मेहनत करना, तो फिर दूसरा कोई हाउस है वो उसके पास ट्रॉफी आएगी। ठीक है बच्चों, ट्रॉफी करेगा। जैसे हमने क्या क्या देखा था, डिसिप्लिन देखा था, एक्टिविटीज देखी थी, बाकी बाकी चीजें। मैडम डायरेक्टर आ जाओ, प्लीज मैडम स्टेज पे आएंगे और हम ये जो ट्रॉफी है वो अपने। हाँ, परवास है दोनों की एक ही दिशा में। और बैकग्राउंड बाद में इसमें भी आएगी। चलो बंशा पे भी तो तुम हो रही है। ये सब ये साइड वाले